वो आप पे भारी पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि जैसा बोला गया 18 27 यहाँ पे टोटल है, ये 27 के इंडिया की बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टीम यहाँ पे, और सेम स्ट्रेंथ लगभग सारे टीम्स के पास है, तो वो मौका नहीं देंगे। जैसे यहाँ पे कैमेनी स्पोर्ट्स सर्कल के आने में कोशिश कर रहे थे, टीम सोल के पास सर्कल का एक अच्छा हिस्सा था, वो मुश्किल में डाले यहाँ पे कैमेनी स्पोर्ट्स को। सेम चीज कैमेनी स्पोर्ट्स भी कर सकती है, टीम सोल भी कर सकती है, जो कि टीम सोल फिलहाल यहाँ पे करके भी दिखा रहे हैं हैदराबाद हाइडर्स की तरफ। ये बॉल ही जाएगा, कनेक्शन ढूंढने की कोशिश थी लेकिन कनेक्शन यहाँ पे मिलना थोड़ा सा टफ रहा, बट मैजिक को फिलहाल यहाँ पे नॉकआउट कर देंगे। एक जो ओपनिंग चाह रहे थे मिल चुका है टीम सोल, यहाँ पे बात करें तो दो फिनिश टॉप एट में अपने लिए सफर, यहां से चाहे तो फिनिश बढ़ा सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी हमेशा यहाँ पे कारगर साबित होती है कि पहले की बात करें तो इजली वहां पर लेके चलेगी और सही वक्त पे डिसएंगेज किया गया। लेकिन बात की जाए सेल्स ड्रॉप्स में, फाइनली जो बात कर रहा था, अब यहाँ पर क्लोज रेंज के लिए आपको इस हथियार को उठाना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ समय नहीं है, यहाँ पर 122 मीटर ट्रैवल करना है और 4 से 5 टीम्स अगर इस वेस्टर्न साइड के सर्कल स्ट्रिंग को अगर अंदर आने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से शायद टीम सोल का भी एलिमिनेशन यहाँ पर आ जाए, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन रिवाइवल देना पड़ेगा यहाँ पे जोथर को जल्द से जल्द, क्योंकि सर्कल का प्रेशर यहाँ पे होने वाला है, साथ ही साथ टीम्स आने वाले। लेकिन निज्जा की तरफ से जो एक गलती नहीं बोलूंगा, वो थोड़े से फंस गए इस बीच में, फायदा उठाया गया, नॉकआउट कर चुके सर्कल के बाहर, वो फिनिश ऑफ भी हो जाएगा। वाइपर भी यहाँ पे बात करें तो एक्वानॉक्स की चपेटे में आते हैं, नॉक तो किया ही, फिनिश ऑफ भी कर दिया गया सब्स्टिट्यूट, हालत काफी नाजुक है, हेल्थ रिकवर करते हुए यहाँ पे आगे बढ़े तो बेटर रहेगा। हाइड्रा कंप्लीट टीम को यहाँ पे गेटकीप करने की कोशिश में लगे हुए, वो नहीं चाहते कि सर्कल का कोई भी हिस्सा अपने तरफ टीम अपने लेके आ सके। नॉक्स की तरफ से स्प्रे हाइड्रा की तरफ यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है, सब्स्टिट्यूट यहाँ पे वापस से किया, वो क्लच अपने एंड से दिखा पाएंगे, सेम की तरफ जा रहे, ट्राई करेंगे स्मोक्स के पीछे, वो फिलहाल होल्ड करके रखे हुए, स्पॉट मिलेगा 1v1 का बैटल, कनेक्शन यहाँ पे बात करें, फाइनली यहाँ पे सीन को टेक डाउन किया गया, उसके बाद ये बैकअप आ भी जाएगा। एको को बात की तो चुप इस बीच नॉकआउट कर देंगे सब्स्टिट्यूट को, यहाँ पे हेल्थ की आवश्यकता पड़ेगी, 75 एचपी एटलीस्ट इनको रिकवर करने की जरूरत है, वो जरूरत पूरा नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि बैंडेजेस हैं इनके पास और बैंडेजेस के साथ आप नहीं जा सकते। बैक साइड बात करें तो टीम गॉडलाइक एंट्री ले रहे, जो कि टीम सोल के लिए भारी पड़ सकते हैं, लेकिन जोनाथन को भी नॉक आउट कर दिया जाएगा। ये मौका था जोनाथन के पास, जो कि शायद थोड़ा सा यहाँ पे गवा बैठे, टीम सोल यहाँ पे कम बैक करना चाह रहे, टीम गॉडलाइक को इस मैच से एलिमिनेट करना चाह रहे, कामयाबी कि नहीं मिल पाएगी, ट्राई कर रहे कनेक्शन मिलेगा, लेकिन रॉक्स भी फिलहाल यहाँ पे टेक डाउन कर दिया, क्लच शॉट का ये आखिरी स्प्रे अक्षुपी के लिए मारी पड़ सकती थी रिवाइवल होने से पहले। देखिए ये पोजीशन बता दिए, ये पोजीशन बता दिए कि वहां पे रिवाइवल स्टार्ट हो गया, आपको जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। ये दो टीमें बहुत टाइम से आखिरी सर्कल में आने के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन रिवाइवल मिल जाएगा किन को, जोनाथन को यहाँ पे रिवाइव दे दिया गया। क्लच शॉट की बात करें, ये सिचुएशन थोड़ा आपके अगेंस्ट जा सकता है, टीम गॉडलाइक टीम सोल की तरफ से कमाल का एफर्ट था।